हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फार्मा वॉरियर हब में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के रिव्यू में हम बात करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, किसने उसको मैन्युफैक्चर किया है, क्या उसकी इंग्रेडिएंट है, फिर यूज़ बात करेंगे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, उसके यूजेस के बारे में बात करेंगे, उसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, उसके सब्स्टिट्यूट के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे उसकी कॉस्ट वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं आज के प्रोडक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो आज का प्रोडक्ट है इसलिए आपके लिए लेकर के आया हूँ क्योंकि जो हमारा मौसम चल रहा है, इस मौसम में हमें फंगस के बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं और जो फंगस है वो बहुत तेज़ी से फैलता है इस मौसम में। तो इसीलिए आपके लिए एक एंटी फंगल क्रीम के बारे में आज बात करने वाले हैं। एंटी फंगल क्रीम का रिव्यू आपके लिए लेकर के आया हूँ। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, ये है हमारे आज का प्रोडक्ट लुलिकोनाजोल। क्या है लुलिकोनाजोल? 1% वेट बाय वेट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आप देख सकते हैं, ये है हमारा आज का प्रोडक्ट लुलिकोनाजोल क्रीम है हमारी। तो फ्रेंड्स, ये क्या है? ये हमारी एंटी फंगल क्रीम है। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, पढ़ सकते हो उसको। और फ्रेंड्स, इसका ब्रांड नेम है लुलिबोर। लुलिबोर के नाम से आपको ये मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज इसके मैन्युफैक्चर के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको मैन्युफैक्चर किया है हिट्रो हेल्थ केयर लिमिटेड ने। किसने? हिट्रो हेल्थ केयर लिमिटेड ने इसको मैन्युफैक्चर किया है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, इसके इंग्रेडिएंट के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो इंग्रेडिएंट है, इसका जो एपीआई है लुलिकोनाजोल 1% वेट बाय वेट, इसका क्या है? इसका एपीआई है। फिर इसमें बात की गई है हमारे प्रिजर्वेटिव की। प्रिजर्वेटिव इसमें ऐड किया गया है हमारा बेंजाइल एल्कोहल को, उसमें ऐड किया गया है 1% वेट बाय वेट। फिर बात करते हैं, इसमें हमारा सफिशेंट अमाउंट ऑफ बेस मिला गया है हमारे लुलिकोनाजोल में। तो फ्रेंड्स, ये बात हो गई हमारे इंग्रेडिएंट की। आप देख सकते हैं, ये अपने स्क्रीन पे इसके इंग्रेडिएंट देख सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये क्या करती है? ये किल करती है और प्रिवेंट करती है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फंगस की ग्रोथ को। क्या करती है? रिटार्ड करती है, रोकती है और उनको किल करती है। और ये कैसे काम करती है फ्रेंड? ये डिस्ट्रॉय करती है सेल मेम्ब्रेन ऑफ द फंगस। जो फंगस की सेल मेम्ब्रेन होती है उसको डिस्ट्रॉय करती है और अपना एक्शन शो करती है। तो आप इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख सकते हैं स्किन पर। तो फ्रेंड, ये बात हो गई इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। तो फ्रेंड, अब बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। बात करते हैं यूजेस क्या क्या होते हैं इसके। तो फ्रेंड, इसके यूजेस होते हैं, जैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं स्किन रैशेस में, यूज़ कर सकते हैं जो स्किन पर रैशेस हो जाते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे रिंग वर्म होता है, रिंग वर्म फ्रेंड, जैसे आप कहते हो कि दाद हो गए उस कंडीशन में इसको यूज़ कर सकते हैं आप। फिर क्या कहते हैं, एथलीट्स फूट होते हैं। एथलीट्स फूट में तो क्या होता है फ्रेंड, जो हमारी उंगलियां होती है पैर की और हाथ की जो उंगलियां होती है उनके बीच में क्या होने लगता है, फंगस लगने लगता है। तो उसको आप क्या कहते हैं, उसको एथलीट्स फूट कहते हैं। तो उस कंडीशन में इसको यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड। ड्राई स्किन में यूज़ कर सकते हैं, फ्लैकी स्किन में यूज़ कर सकते हैं। फ्लैकी स्किन का मतलब क्या होता है, जो हमारी स्किन का जो मॉइस्चर होता है वो क्या होता है, वो रिमूव होने लगता है, उस कंडीशन में आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड, ये यूजेस हो गए हमारे किसके, लुलिकोनाजोल क्रीम के, आज के जो एंटी फंगल क्रीम है उसके यूजेस हो गए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये हमारे क्या यूजेस हो गए। तो फ्रेंड, अब बात करते हैं उसके साइड इफेक्ट के बारे में। बात करते हैं क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं हमारे लुलिकोनाजोल के। तो फ्रेंड, साइड इफेक्ट में सबसे पहले क्या हो सकता है, जो हमारी अप्लाई इरिटेशन हो सकती है, अप्लाई रिएक्शन हो सकती है, इरिटेशन कॉज हो सकती है, जिसमें आपकी आसमें रेडनेस देखने को मिल सकती है और क्या रैशेस हो सकते हैं। तो फ्रेंड, ये क्या हो सकता है, ये इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और फिर क्या हो सकते हैं फ्रेंड, ड्राई स्किन हो सकती है, इसका साइड इफेक्ट ड्राई स्किन भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, जैसे हमारे ब्लिस्टिंग ऑफ स्किन, ब्लिस्टिंग हो जाती है स्किन पर, मतलब स्किन में क्या होता है, जिनको आप फोड़े टाइप के होने लगते हैं, जिसमें क्या होता है, एक हमारा लिक्विड भरा होता है इसमें, जिसमें लिक्विड फिल हमारे क्या होते हैं, बबल्स होने लगते हैं हमारी स्किन पे। तो फ्रेंड, ये क्या हो गया, ये साइड इफेक्ट हो गए हमारे किसके, लुलिकोनाजोल के। तो फ्रेंड, अब बात करते हैं उसके सब्स्टिट्यूट के बारे में। बात करते हैं तो उसके फ्रेंड, इसके सब्स्टिट्यूट देखने को मिलते हैं आपको लुलिकोनाजोल, जैसे फ्लुकोनाजोल वगैरह की क्रीम आती है और जैसे ग्रीसोफ्लेविन आती है, सब बहुत सारी इसकी क्रीम आती है। इसके ये इसके साइड इसके क्या है हमारे सब्स्टिट्यूट है। और फ्रेंड, ये जो हमको ब्रांड अलग अलग ब्रांड नेम के नाम से भी मार्केट में मिल सकती है, जैसे लुलिफर के नाम से मिलती है आपको, लुलिकैन के नाम से मिल सकती है, लुलिफोर्ड के नाम से मार्केट में आपको आसानी से मिल सकती है। तो फ्रेंड, इसकी जो कॉस्ट को रखा गया है, इसकी कॉस्ट को रखा गया है 250 रुपीज़, इसकी मार्केट कॉस्ट है 250 रुपीज़। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इसकी सब कुछ, आप इसकी जानकारी का पूरा स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये फ्रेंड इसके क्या होगा, ये इसकी मार्केट कॉस्ट हो गई। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, हाँ एक बार आपको ये बता दूँ कि अगर आप इस प्रोडक्ट को ले रहे हैं तो इसको प्रोडक्ट को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ले ले, अपने फिजिशियन से एक बार कॉन्टैक्ट कर ले, उनसे पता कर ले कि इस प्रोडक्ट के बारे में, इससे पहले आप इसको यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर तो बनता है। तो फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्या मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड कीप सपोर्टिंग।